देखिए लुईस स्ट्रक्चर बनाना, लुईस स्ट्रक्चर किस तरह से हम बना सकते हैं, तो ये आप देखिए बहुत ही इजी है और ये हमारे बहुत जगह काम में भी आएगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको तीन चार पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है सेंट्रल एटम आपको चूज करना पड़ेगा, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेंट्रल एटम चूज करना पड़ेगा। अब सेंट्रल एटम कैसे चूज करेंगे, तो देखिए इसके लिए छोटे छोटे दो तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट तो सबसे सिंपल है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो सेंट्रल एटम की बात ही खत्म हो गई। उसके बाद जनरली सेंट्रल एटम जिसकी लोएस्ट नंबर यानी जो नंबर संख्या में सबसे कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। क्या? जो संख्या में सबसे कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। उसके बाद लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जैसे मान लो आपके पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ गई जैसे HOCl, तो तीनों सिंगल सिंगल है। अब यहां पर आप क्या करोगे, तो यहां पर जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी उसको हम क्या कर देंगे, यहां पर सेंट्रल एटम के रूप में चूज कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर है आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर, संकरण से बनाने की कोई जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर को, जो सेंट्रल एटम चूज कर लिया। अब स्ट्रक्चर बनानी है लुईस स्ट्रक्चर, तो आपको संकरण से स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी, जैसी आपको स्ट्रक्चर बनानी आती है वैसी वैसी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड में आपको N1, N2, N3 एंड N4 ज्ञात करना है। अब N1, N2, N3 एंड N4 क्या होता है, तो यहां पर देखिए N1 वो होता है आपके कंपाउंड में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पूरे कंपाउंड के देखने, सेंट्रल एटम और साइड एटम के जितने भी एटम्स हैं उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। उसके बाद N2 है आपके पास N हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की संख्या इंटू 2 प्लस अदर एटम की संख्या इंटू 8, हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम है उनको 8 से गुणा करना है, यह आपकी N2 की वैल्यू आ गई। N3 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है शेयर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जितने बॉन्ड बनेंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो देखिए यहां पर शेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, N2 - N1, N2 और N1 पहले से निकाल चुके हो, और N4 क्या है, अनशेयर इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनशेयर इलेक्ट्रॉन। तो N4 को मैं ये भी लिख सकता हूं कि N1 - N3, समझ गए क्या, ये आपको इतनी सब चीजों की आपको नीड है। इसके बाद फिर आप किसी कंपाउंड की लुईस स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दीजिए। तो देखिए हमें लुईस स्ट्रक्चर किस तरह से बनानी होगी, Na+ की अगर लुईस स्ट्रक्चर बनानी है तो इसमें 2-8 पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, Cl- होता है उसमें 2-8-8 है, तो वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है कंप्लीटली, तो ये हमने इसमें पहले से है, तो चारों तरफ इसके साइड में कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे MgCl2 आपके पास होता है तो उसमें क्या करते हैं, Mg+2 में होता है, तो इस तरह से Mg के साइड में कितने होते हैं, 2, 4, 6 और 8, क्योंकि 2 और 8 ही तो होता है, वैसे क्लोरीन के भी 8 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपके पास ये आपका सिंपल वाली हो गई। अब जब आपके पास ये वाले कंपाउंड आ जाए जैसे HOCl आ जाए, SNF3 आ जाए, NOCl आ जाए, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को तो आप हटा दोगे, उसके अलावा आप सबको सिंगल सिंगल दिख रहे हैं। जैसे आपके पास ऑक्सीजन और क्लोरीन आपको सिंगल दिख रहा है, यहां पर हमने कहा कि जो संख्या में सबसे कम हो उसको बना देंगे, लेकिन यहां पर तो ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों सबसे कम संख्या में, तो फिर किसको बनाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, कम होती है, उसको बनाते हैं। लेकिन इस कंपाउंड की आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से होती है, HOCl, यानी यहां पर सेंट्रल एटम पहले से ऑक्सीजन बना हुआ है, इसको आप एजे एक अपवाद के रूप में मान सकते हो कि यहां पर सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसके बाद देखिए यहां पर सल्फर और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम किसकी, सल्फर की, यानी सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी और यहां पर इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए NOCl की अगर मैं बात करूं तो NOCl में भी कुछ इस तरह से होता है, यह आपका Cl हो गया क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, तो स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगी इसकी, ठीक है। अब आपके पास पॉलीएटॉमिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जिसकी जनरली आपसे पूछी जाती है और जो आपको निकालनी भी आनी चाहिए। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं O3 की, तो O3 देखिए यहां पर कैसे है, यहां पर देखिए ये पहला N1, ये N2, ये N3 एंड ये N4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसने कितने हो जाएंगे O3 में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एंड 6,
कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 एक को चाहिए, तो 3 के कितने हो गए, 24 मैंने लिख दिए। या फिर यहां से भी निकाल सकते हो, हाइड्रोजन है नहीं तो ये 0 हो गया, और ये 3 ऑक्सीजन है, 3 × 8 24 हो गया। शेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, N2 - N1 तो कितना हो जाएगा, 24 - 18 कितना हो गया, 6 आ गया। उसके बाद आपके पास शेयर इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 18 - 6 कितने हो गए, 12। अब सबसे पहले पॉइंट ये है कि आप कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, यानी आप कुल मिला के 3 बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने 3 बॉन्ड बनेंगे। 3 बॉन्ड आप बना दीजिए, पहला बॉन्ड बना दिया, दूसरा बॉन्ड बना दिया, अब ये तीसरा बॉन्ड आप नहीं बन रहा है तो कहीं पर भी एक जगह आप तीसरा बॉन्ड बना दीजिए। ये लो मैंने तीसरा बॉन्ड यहां पर बना दिया मान लीजिए, ठीक है। जैसे ही तीसरा बॉन्ड आप बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो अनशेयर इलेक्ट्रॉन है उनको सबको इक्वली डिवाइड कर दो। बस इतना सा ध्यान रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो जाए, क्या 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो जाए, तो यहां पर पॉइंट यही है। देखिए इस ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2 और 2 4 पहले से हो चुके हैं, 5 6 7 8 कितने करने, 12 शेयर करने। इस ऑक्सीजन के देखिए 2 4 6 6 इसके शेयर पहले से हो चुके हैं, 7 और ये 8 कर दिया, कितने बच गए आपके पास, 6 आपने कर दिए और 6 बच गए, ये 1 2 3 4 5 और 6 ये आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर O3 की बन गई है। अब आपको यहां पर ये चेक करना हो कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन के 6 के जो वैलेंस शेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के सारे यहीं पर पहले जैसे के जैसे ही यहां पर पड़े हैं। इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए, इसका मतलब इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से आप बॉन्ड की पहचान कर लोगे। यहां पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन ने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पहले से शेयर कर रखे हैं, इसका मतलब यहां पर ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ गए क्या। अब इस तरह से फॉर्मल चार्ज यहां नहीं बताऊंगा, फॉर्मल चार्ज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए CO3-2, इसमें क्या है N1, N2, N3, N4 कैलकुलेट करना है। तो देखिए जैसे ही मैं N1 कैलकुलेट करूंगा क्या हो जाएगा, 4 कार्बन से आ जाएगा और 6 × 3 कितना, 18 ऑक्सीजन से आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इसमें कितना है, -2, तो ये भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे एक तरह से, तो नेगेटिव वालों को भी ऐड कर दिया, कितना हो गया 24। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 8 × 4 = 32 हो जाएगी। N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और N4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 आ जाएगी। अब इससे आप बनाइए, तो देखिए इससे कैसे बनाऊंगा मैं, इससे कुछ इस तरह से बन जाएगी, देखिए CO मैंने कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा, देखिए मेरे पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता हूं, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता हूं, ये लीजिए 1 2 3 बॉन्ड को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया है यहां पर। उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बॉन्ड को इक्वली डिवाइड करने के बाद एक बॉन्ड और बच गया, मैंने यहां बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनको मैं इक्वली डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अब गौर से आप देखेंगे तो कार्बन का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के देखिए 1 2 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 4 ये रहे, इस ऊपर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का देखें तो इसमें देखो 4 2 6, इसमें 4 और 2 6, लेकिन अभी तक जो नॉन बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है 16 में से कितने हुए हैं, 12 हुए हैं, कितने बच गए, 4 बच गए, 2 इसको दे दिया और 2 इसको दे दिया। अब देखिए एक चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब यहां पर जो ये इसमें इलेक्ट्रॉन आया है वो कार्बन का तो नहीं है, इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के तो नहीं है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन का है और एक किसका है, कार्बन का है, लेकिन इसका मतलब ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज -2 आया है वो किस पे आया है, ये इसमें नहीं, फॉर्मल चार्ज की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आई, लुईस स्ट्रक्चर बनाना आ गई। लुईस स्ट्रक्चर में 2 ही पॉइंट ध्यान रखना है, इनके बाद स्ट्रक्चर कैसी भी बना दो
जितने बॉन्ड बनाने हैं सब में इक्वली डिवाइड कर दो, अगर लास्ट में एक बॉन्ड बचा है तो किसी एक के बीच में बना दो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डिंग वाले उनको भी इक्वली डिवाइड कर दो, अगर लास्ट में एक दो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद तो उनको बाकी वाले में इक्वली डिवाइड कर दो। इतना सा काम करना होता है। हो सकता है मेरे पास NH4+, तो NH4+ को कैसे बनाऊंगा, देखिए मैंने सीधा सा पहले N1 मैंने निकाला, तो N1 क्या हो गया, N1 चार हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, 5 नाइट्रोजन के, एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको मैंने एक हटा दिया, यानी एक इस कंपाउंड ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है पहले से, तो एक माइनस कर दिया, टोटल कितने हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। उसके बाद N2 की वैल्यू ऑक्टेट कंप्लीट के लिए कितने चाहिए मेरे को, 4, तो हाइड्रोजन है तो 4 × 2, क्योंकि N क्या लिखाया था मैंने, NH × 2 लिखवाया था, ठीक है, तो ये वाला हो गया, और 8 × 1 कितना हो गया 16, ये हो गया टोटल। उसके बाद N3 है जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और अनशेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 − 8 कितना हो गया 0 अनशेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब अब मैं इसको बनाऊंगा NH4 की, तो कुछ इस तरह से बना दूंगा, ये हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बनेंगे 4, सभी के बीच में इक्वली बॉन्ड मैंने बना दिया। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करके अपने वैलेंस शेल में जो लास्ट वाला बाहरी शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन करता है 2 इलेक्ट्रॉन करता है, तो देखिए इस हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट इस तरह से, इस हाइड्रोजन में भी हो गए, इस हाइड्रोजन में भी हो गए, इस हाइड्रोजन में भी होगी, जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी स्ट्रक्चर पे ला दिया, ये लीजिए। अब ये किस पे पॉजिटिव चार्ज है ये किस में देखते हैं हम, फॉर्मल चार्ज में, ठीक है।